बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार में मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है, लेकिन उससे पहले विवाद का साया मंडराने लगा है। हालांकि इस मामले में फॉरेन एक्शन भी लिया गया है। दरअसल डीएम के मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल के बाहर सर्किट हाउस में फोटो वायरल होने के बाद 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही जेल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि खगड़िया के डीएम ने इस पूरे मामले में एडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन करके जांच की बात कही है। और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद है। 12 अगस्त को आनंद मोहन को कोर्ट में पेशी के लिए सहरसा से पटना लाया गया था, लेकिन इस दौरान वो पटना में अपने आवास में चला गया और उसके बाद ना खगड़िया के गेस्ट हाउस में भी रात बिताई और अपने समर्थकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। नियम के मुताबिक कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदी को कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन आनंद मोहन अपने घर गए। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पूर्व सांसद हैं और बेटा चेतन आनंद आरजेडी का विधायक। शायद इसी सियासी रसूख के दम पर वो कोर्ट में पेशी के लिए आने के बावजूद अपने घर चले गए। जब तस्वीरें सामने आई, विवाद हुआ, तो फिर आनंद मोहन के साथ आए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। और इस मामले में सहरसा के एसपी लिपि सिंह से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनाएंगे। और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद कुमार की खगड़िया के सर्किट हाउस में बुकिंग आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के नाम से हुई थी। उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली के नाम से भी कमरा बुक किया गया था। इसके लिए बकायदा 2 कमरे बुक करवाए गए, कमरा नंबर 2 और 3 बुक करवाए गए। 12 अगस्त की बुकिंग हुई और अगले दिन सुबह 10 बजे चेकआउट किया गया, यानी एक दिन की इस बुकिंग के लिए 600 रुपए किराया भी दिया गया। और अब खगड़िया के डीएम कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।